अस्सलाम वालेकुम, बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक आपके घरों में खैर आफियत रखे। चलें आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज मैं बना रही हूँ खड़े मसाले का कीमा। ठीक है, कीमा मैं इसमें ऐड कर चुकी हूँ, थोड़ा गर्म पानी डाल के, क्योंकि ना फ्रीज़र में रखा हुआ था और बहुत पत्थर हो रहा था, तो इस वजह से मैंने गर्म पानी डाल के कीमा साथ कुकर में डाल दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज, दरमियाने साइज़ की मैंने दो प्याज ली हैं, जिसमें से मैं आधी अभी ऐड करूँगी। ये समझ लीजिए एक डली मैं अभी ऐड कर रही हूँ, एक से डेढ़ डली। ये मैंने डेढ़ डली प्याज मैंने डाल दी है इसके अंदर। ठीक है, और ये टमाटर ऐड कर दूँगी, दो दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए मैंने, ये टमाटर ऐड कर दिए मैंने। ठीक है, टमाटर ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी गरम ना अदरक लहसुन का पेस्ट, ये एक चमचा, और ये डेढ़ चमचा। ठीक है, ये डाल दिया मैंने। इसके बाद मैं ऐड करूँगी मिला जुला गरम मसाला कंप्लीट। दालचीनी है, काली मिर्ची है, लौंग है, बड़ी इलायची है और एक चमचा ज़ीरा है, ये ऐड कर दिया। ये ऐड करने के बाद मिर्ची अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। मैंने साबुत मिर्ची लेके उसको कूट लिया है, लाल वाली जो होती है बोना मिर्च, और ये डाल दी कूट के। ठीक है, मिर्ची अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक, नमक हसबे जायका, जितना आप खाना पसंद करती हैं उसके हिसाब से रखिएगा। नमक ऐड कर दिया मैंने इसके अंदर, और धनिया कुटा हुआ, ये मैंने कूट के रखा हुआ है धनिया, ये एक चमचा, और ये दो चमचे लेबल करके कुटा हुआ धनिया। अब मैं डालूँगी इसमें हल्दी, हल्दी आधा चमचा, ये ऐड कर दिया मैंने। ये ऐड करने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी कुकिंग ऑयल, क्योंकि कुकिंग ऑयल अभी मैंने ऐड नहीं किया इसके अंदर। ठीक है, सब चीज मैंने साथ डाल दी है इसके। अब मैं डालूंगी कुकिंग ऑयल कम से कम आधा कप, मुझे अंदाजा है तो मैं इस तरह डालूंगी, आधा कप कुकिंग ऑयल डाल दिया मैंने इसके अंदर। ठीक है, अब मैं इसको अच्छी तरह चलाऊंगी ताकि सारा मसाला अच्छी तरह मिक्स हो जाए। पानी लिया है मैंने दो कप, और ना कीमा जो है वो फ्रीजर में रखा हुआ था तो उसकी बर्फ भी घुली है साथ में। ठीक है, चूल्हा मैं ऑन कर देती हूँ इसका, चूल्हा मैंने ऑन कर दिया। अब मैं इस पर कुकर का ढक्कन ढक दूंगी, ये मैंने बंद कर दिया कुकर, मिलती हूँ मैं आपसे 10 मिनट के बाद। हमारे कुकर का टाइम हो चुका है, अब हम अपना कुकर खोलते हैं कि कीमा हमारा कहाँ तक पहुँचा। अब भुनाई, अब मैं इसकी कुकर का ढक्कन हटा दूंगी और खोल के भुनाई करूँगी मैं इसकी। पाँच मिनट इसको खोल के पकाएंगे और फिर करेंगे इसकी बहुत अच्छी भुनाई। ठीक है, चूल्हा ऑन कर देती हूँ मैं और करती हूँ इसकी भुनाई। ठीक है, सालन हमारा बहुत अच्छी तरीके से भुनाई हो रहा है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी दही, कम से कम 4 चमचे है ये, दही ऐड कर दी मैंने। अब इसकी करेंगे बहुत अच्छी सी भुनाई, सिर्फ भुनाई करनी है, बस भुनाई पर है बस ये। अब डाल दूंगी मैं इसमें कम से कम 5 से 6 साबुत मिर्चें, ताकि जिसको मिर्चें कम लगे वो बाद में आगे अपने रखकर फोड़ के खा सकता है। ठीक है, बस भुनाई पर है। अच्छा जी, कीमा हमारा बिल्कुल ऑलमोस्ट भुनाई हो चुका है। ठीक है, अब मैं डालूंगी इसमें ये प्याज, ये दम पे डालूंगी मैं, प्याज डाल दी,
मोटी वाली हरी मिर्च डाल दी और ये पुदीना डाल दिया और ये अदरक जुलियन कटी हुई, ठीक है। इसको सब चीज़ को डाला, अच्छी तरह मिलाया। मिलाने के बाद बस 5 मिनट दम पे लगाऊंगी ताकि प्याज हमारी ये थोड़ी सी नरम हो जाए, ठीक है। चूल्हा स्लो कर दूंगी मैं इसका। जिस भाई ने फरमाइश की है मैं खड़े मसाले का कीमा दोबारा ना आपके लिए भाई बना चुकी हूँ, लाना वीडियो लाइक सब्सक्राइब लाजमी किया करें, क्योंकि आप ताकि पता चलता है मुझे कि कौन मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहा है, ठीक है। अब दम होने के बाद मैं इसमें 2 लीमू दरमियाने साइज के निचोड़ दूंगी। कीमा हमारा तैयार है, अब मैं आप मिलती हूँ आपसे 5 मिनट के बाद। अच्छा जी, कीमा हमारा ऑलमोस्ट दम हो चुका है, ठीक है। अब मैं कर रही हूँ इसका चूल्हा बंद, चूल्हा मैंने बंद कर दिया। अब मैं इसमें निचोड़ूंगी लीमू। एक दफा लाजमी ट्राई करके देखिएगा, बहुत मजे का बनता है ये खड़े मसाले का कीमा। और कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लग रही है, ठीक है। ये हो गया, कीमा हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। मजेदार खड़े मसाले का कीमा तैयार है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँचे। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके घरों में खैर व आफ़ियत रखे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।